चीन में उइगर मुसलमानों को गुप्तांग में करंट लगाकर उन्हें तड़पाया जाता है, कोड़े से पिटाई की जाते हैं। लेकिन क्यों चीन में मॉडर्न गुलाम की तरह हो गए हैं उइगर मुस्लिम? लेकिन क्यों चीन के डिटेंशन कैंप में प्रेगनेंसी रोकने के लिए महिलाओं को दी जाती है खास डिवाइस? लेकिन क्यों चीन के ब्लैक मार्केट में मुसलमानों के लिवर और गुर्दों को बेचा जा रहा है? लेकिन क्यों इससे करोड़ों डॉलर का कारोबार चल रहा है चीन में, लेकिन सब चुप हैं? उइगर मुसलमान औरतों की जबरन नसबंदी हो रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों सवाल ये है, चीन अपना मुंह चुरा रहा है लेकिन सच को कौन दबा सका है? इस साल जुलाई महीने में चीन में उइगर मुसलमानों के हालातों पर पूर्व चीनी अधिकारी जियांग ने कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं। एक इंटरव्यू में जियांग ने बताया कि चीन के डिटेंशन सेंटर में उइगर मुसलमानों को कुर्सी से बांध कर रखा जाता है। पुलिसकर्मी इन पर कोड़े बरसाते हैं, इन्हें लातों घूसों से पीटा जाता है, इन्हें सोने तक नहीं दिया जाता। इनमें 14 साल से कम उम्र के बच्चे तक शामिल हैं। जियांग ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कुछ ऐसी तस्वीरें भी साझा की जो उइगर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की कहानी कहती हैं। जियांग के मुताबिक उइगर मुसलमानों पर छोटे छोटे आरोप लगाकर कई सालों तक उन्हें जेल में रखा जाता है। डिटेंशन सेंटर में बंद लोगों को नींद तक नहीं लेने दिया जाता। झपकी लेने पर उन्हें इतना मारा जाता है कि वो बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर फिर वही बर्ताव किया जाता है। पीड़ितों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल थे। साल 2020 में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बकायदा एक कानून को मंजूरी दी थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजिंग अपने कमजोर अल्पसंख्यकों के अंगों को जबरन काटकर काला बाजार में बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है। ये बेहद खतरनाक आरोप चीन पे लगाए गए हैं, और अगर ये आरोप सच हैं तो फिर इससे बड़ी क्रूरता मानव समाज के साथ और कुछ हो ही नहीं सकती है। माना जा रहा है कि चीन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जरूर आवाज उठाएंगे, भले ही मुस्लिम देश चुप्पी का चूरन चाट के बैठे रहे। हैरानी की बात है कि एक स्वस्थ इंसान का लिवर चीन के ब्लैक मार्केट में करीब 160,000 अमेरिकी डॉलर में बिकता है, और चीन में हर साल कम से कम 1 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार लिवर और गुर्दों को बेचकर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब चीन का सांस्कृतिक मंत्रालय देश को एकजुट करने के नाम पर इन मस्जिदों से गुंबद और मीनारे हटवाने में लगा है। दुनिया विरोध न करने लगे इसलिए मीनारे और गुंबद हटवाने का काम वो खुद न करके मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों से करवा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वो अब तक देश से सैकड़ों मस्जिदों से मीनार और गुंबद साफ करवा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लगातार दबाव की वजह से उइगर मुस्लिमों ने इस्लाम को बदलकर उसका चीनी वर्जन एक्सेप्ट कर लिया है, यानी वो इस्लाम की वही आयतें और हदीस पढ़ते हैं जो उन्हें चीन की ओर से स्वीकृत कुरान में बताई गई हैं। इन मुसलमानों ने कन्फ्यूशियस और माओवाद को भी अपना लिया है। वो चीन के हान वंश के लोगों की तरह धार्मिक समारोहों में धूप बत्ती जलाने लगे हैं। दोस्तों आपको बताएं कि आदेश न मानने पर एक इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। चीन के शिनजियांग शहर में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जहां हर शुक्रवार सैकड़ों नमाजी पहुंचते हैं। वहां से हरे गुंबद और मीनारों को गायब कर दिया गया है और अब वो मस्जिद एक साधारण बिल्डिंग जैसी नजर आती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मस्जिद के इमाम और प्रबंधन ने मीनारे हटाए जाने का विरोध किया था, इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब वे अपनी मर्जी से दोनों चीजें हटाने पर सहमत हो गए तो उन्हें रिहा किया गया। इसी मस्जिद से करीब 1 मील की दूरी पर नानगुआन मस्जिद से भी अब गुंबद और मीनारे हटाने का काम चल रहा है। डोंगगुआन मस्जिद के आसपास के लोग डरे स्वर में कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी बोलने से मना किया गया है, अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोगों ने बताया कि जिन मस्जिद कमेटियों ने चीनी अधिकारियों की बात नहीं मानी उन मस्जिदों पर सरकार ने कब्जा कर उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया और इमाम समेत बाकी लोगों को कैद कर लिया, इसलिए मस्जिद टूटने से बचाने के लिए लोग उसके उत्पीड़न के बावजूद चुप हैं। चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के हालात बेहद खराब हैं। इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। हालांकि चीन दुनिया को बताता है कि ये डिटेंशन सेंटर नहीं बल्कि री एजुकेशन स्कूल्स हैं। उइगरों के साथ धर्म के नाम पर जुल्म के इंतहा हो रहे हैं, मजहबी आजादी छीनी जा रही है, खासकर मुस्लिम महिलाओं के हालात तो बताने लायक तक नहीं है। दूसरे देशों को इंसानी हुकूक का ज्ञान देने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने ही मुल्क में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के साथ रेप तो आम बात हो गई है, उनका शोषण इस कदर बढ़ गया है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। उइगर मुसलमान इसे कैसे सहते होंगे कहना बहुत मुश्किल है। शिनजियांग प्रोविंस में चलाए जा रहे डिटेंशन कैंप में उइगर मुस्लिमों से चीनी सरकार कॉटन और टमाटर का प्रोडक्शन करवाते हैं। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन और अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिनजियांग के डिटेंशन कैंपों में 10 लाख से ज्यादा उइगर और दीगर मुसलमानों की आबादी को गैर इंसानी तरीके से रखा जाता है। चीनी अफसर इनके साथ वैश्याना तरीके से पेश आते हैं। हालांकि चीन के रवैये के खिलाफ अब दुनिया भर से आवाजें उठने लगी हैं।
ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने सीधे तौर पर चीन में चलाए जा रहे डिटेंशन कैंप्स को शर्मनाक और गैर इंसानी करार देते हुए चीनी सामानों का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। डिटेंशन कैंप में इन मुस्लिम कैदियों से घंटों तक काम करवाया जाता है। जानकारी के मुताबिक इनसे कॉटन और टमाटर प्रोडक्शन का काम कराया जाता है और काम के बदले पैसे भी नहीं दिए जाते, साथ ही उन्हें अपने परिवार से भी अलग रखा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको चीन का सबसे खराब फैसला बताने जा रहे हैं। जी हां, मस्जिद की जगह शौचालय का निर्माण। दोस्तों, शिनजियांग के कुल आबादी में 45% वीगर मुस्लिम हैं, जो मूल रूप से टर्की से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी यहां के मुसलमान चीन की सरकार की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। चीन की सरकार जब चाहे वीगर मुसलमानों की मस्जिदों को गिरा सकते हैं और उस जगह पर पब्लिक टॉयलेट यानी सार्वजनिक शौचालय बना सकते हैं। जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तब चीन ने अपने देश के मुसलमानों को ही अपना दुश्मन नंबर वन मान लिया है। चीन के शिनजियांग प्रांत के आर्तुश शहर के गांव सनतगाह में 2 साल पहले एक मस्जिद को गिराया गया था और अब उस मस्जिद की जगह पर एक पब्लिक टॉयलेट का निर्माण कर दिया गया है। इस गांव में सभी लोगों के घरों में शौचालय हैं और यहां पर्यटक भी कभी कभार ही आते हैं, इसलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर पब्लिक टॉयलेट की जरूरत ही नहीं थी और ऐसे में चीनी सरकार का ये फैसला समझ से परे है। जाहिर सी बात है, इसे जनता के लिए नहीं खोला गया है, इसलिए सवाल यही है कि चीन ने एक मस्जिद की जगह शौचालय का निर्माण क्यों करवाया। इसका सीधा जवाब यह है कि चीन की सरकार के निशाने पर शिनजियांग में रहने वाले मुसलमान हैं और अब तक इस प्रांत की 70% मस्जिदों को गिराया जा चुका है और एक मस्जिद की जगह पर टॉयलेट बना के चीन ने मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। इसी प्रांत में पिछले साल चीन की सेना ने 16वीं शताब्दी में बनाई गई एक मस्जिद को गिरा दिया था। इसका नाम था अजना मस्जिद और इस मस्जिद की जगह चीन ने वहां पर शराब और सिगरेट की एक दुकान बना दी। शराब और सिगरेट का इस्तेमाल इस्लाम में प्रतिबंधित है। इसी तरह चीन के होटान शहर में गिराई गई एक मस्जिद की जगह पर अंडरवियर की एक फैक्ट्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में शिनजियांग में 10 से 15 हजार मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है। अभी भी क्लियर नहीं है कि चीन में मुसलमानों के इतने खराब हालात पर मुस्लिम देश क्यों आवाज नहीं उठा रहे। वो अलग बात है कि चीन ने विरोध की ज्यादातर आवाजों को कुचल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब जैसे देश चीन से डरते हैं, माजरा कुछ और ही है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान में 4,47,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। 2017 में चीन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के साथ 5,20,000 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। इसी तरह ईरान में चीन 29,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। मलेशिया के तो कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI का 45% हिस्सा चीन से आता है। इतना ही नहीं, टर्की की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी चीन ही आगे आ रहा है। खाड़ी के देशों से तेल आयात करने के मामले में भी चीन पहले नंबर पे है और चीन के खिलाफ इन देशों की चुप्पी की एक बड़ी वजह यही है। दुनिया के जिन देशों ने चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा बनने पर सहमति जताई है, उनमें से 30 इस्लामिक देश हैं। लेकिन इन सब से चीन के अत्याचारों की कहानियों को दबाने का या इसके खिलाफ चुप रहने का हक किसी को नहीं मिल जाता। एक और फैक्ट है, प्रांत के एक बड़े हिस्से को वहाँ के मुसलमान पूर्वी तुर्किस्तान मानते हैं और वर्ष 1949 तक यहाँ की 90% आबादी टर्किश मूल के थी और हान वंश के लोगों की संख्या 4% से भी कम हुआ करते थे। लेकिन 70 वर्षों तक चले नरसंहार के बाद अब यहाँ की आबादी में टर्की से संबंध रखने वाली आबादी सिर्फ 55% रह गई है और हान चाइनीज लोगों की संख्या बढ़कर 45% हो चुकी है। चीन ने शिनजियांग में सिर्फ वीगर मुसलमानों को ही निशाना नहीं बनाया है, बल्कि कजाक, किर्गी और टर्किश मूल के करीब 30 लाख मुसलमान भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखे गए हैं। लेकिन चीन के इन अत्याचारों पर वो लोग चुप हैं जो एक जमाने में ये कह रहे थे कि पेरिस के अखबार चार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापकर ठीक नहीं किया और इस अखबार के दफ्तर पर साल 2015 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें यहां काम करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसके पीछे इस्लाम का अपमान करने पर पैदा हुआ गुस्सा बताया गया और उसे जायज ठहराया गया। यानी एक कार्टून के बाद हुई आतंकवादी घटना मुसलमानों के गुस्से का परिणाम होती है, लेकिन एक देश में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर इन्हें कोई गुस्सा नहीं आता। कमाल है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और चीन के खिलाफ आपका गुस्सा पहले से 2 गुना बढ़ गया होगा। दोस्तों, सच तो ये है कि चीन अब अपनी मनमानी करने लगा है और पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर ही उसे सबक सिखाना होगा। दोस्तों, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।